नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ चंद्रदेव बनवाल, बीटेक पास आउट एन आई टी दुर्गापुर, एक्स फैकल्टी ऑफ केसिंग विजन क्लासेस बेटा। ठीक है बेटा, माय नेम इज़ चंद्रदेव बनवाल, ये है बेटा मैं। अब देखो बेटा, जैसे जैसे क्या है बेटा, देखो बात ये है कि पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। पहले तो पहला क्वेश्चन है बेटा, द हाइब्रिडाइजेशन बताना है इस कंपाउंड के लिए, वन पे, टू पे और फाइव पे। ये तो नंबरिंग कर दिया है बेटा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबरिंग क्या होता है बेटा कि अगर मल्टीपल वन पहला होता है बेटा, इधर से एक पे आ रहा है बेटा, इधर से अगर काउंट करते तो वन टू पे आता, तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल लगा है बेटा, इसलिए काउंटिंग इधर से गया है। ठीक है, इधर पे एक पे आ रहा है, इधर पे दो पे आ रहा है, यहाँ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल लगा है बेटा। अब मुझे बोला है कि यहाँ पे इधर जो नंबरिंग कर चुका है बेटा, हमें उधर से ही काउंट करना है, मुझे अलग से नया नहीं काउंट करना है। ठीक है बेटा, मुझे नया काउंट नहीं करना है। अब देखो बेटा, बोला है कि वन पे, थ्री पे और फाइव पे, तो वन पे क्या होगा बेटा, दो यहाँ पे एक सिग्मा हो जाएगा और एक सिग्मा यहाँ पर है, दो सिग्मा के लिए क्या होगा बेटा, पाई तो कंसिडर नहीं करते, दो सिग्मा के लिए हो जाएगा एस पी। अब बोला है थ्री पे, थ्री बेटा ये है, तो एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, चार के लिए हो जाएगा बेटा एस पी थ्री। और एक फाइव पे बोला है, फाइव पे क्या होगा बेटा, एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक हाइड्रोजन, क्या होगा बेटा, तीन के लिए एस पी टू। यानी आंसर क्या जा रहा है, एस पी, एस पी थ्री और एस पी टू, एस पी, एस पी थ्री, एस पी टू, यानी आंसर डी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। बोला है बेटा टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर, तो बेटा एक पाई में कितना होता है इलेक्ट्रॉन बेटा, दो, तो टोटल कितना पाई है बेटा, एक, दो, दो, तीन, चार, तो चार, फोर इंटू टू कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, एट पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा, एट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। बोला है इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसिटो एसिटेट, इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसिटेट, हमेशा हमको याद रखना बेटा, एक पॉइंट भी बोल रखे हैं मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो जेई वाला है उसमें दे रखा है बेटा, कि कीटो टू इनोल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो अगर इस स्ट्रक्चर का हमको कोई भी कीटो हो या इनोल हो, ये क्या है बेटा इनोल फॉर्म और ये क्या है कीटो फॉर्म, तो हम कीटो फॉर्म का ही स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है बेटा, तीन हाइड्रोजन, नो डाउट, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, फिर क्या है बेटा, दो हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद ओ, और यहाँ पे क्या है बेटा, सी टू एच फाइव। काउंटिंग करना है तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सिग्मा है बेटा, 18 सिग्मा, पाई तो दिख रहा है, एक पाई यहाँ पे, एक पाई यहाँ पे, 18 सिग्मा, 2 पाई, आंसर इज कीटो टू इनोल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड और लोन पेयर हमेशा सेम होता है बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड का आंसर देखो बेटा, देखो हम एक बना दे रहे हैं, जेनोन कितना होता है बेटा, 8 डॉट होता है, 8 में ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है बेटा, डबल बॉन्ड बना लिया तो इसी में सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा और पाई, यानी 4 सिग्मा आ रहा है बेटा और 4 पाई आ रहा है, तो इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई इसी में मिल रहा है। अगर इसका बनाना है तो सी एन क्या है बेटा, एक सी एन इधर साइड, एक सी एन फिर इधर साइड, इसमें देखो कोई ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ देखो ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा, सिग्मा कितना है, एक, दो, तीन, लेकिन पाई देखो हो गया है 4, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, ये इक्वल नहीं हुआ। इसमें भी देखोगे बेटा तो दो हाइड्रोजन इधर लगा दो और दो सी एन इधर लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा कितना है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और पाई हो रहा है 4, ये भी इक्वल नहीं है बेटा, ये भी नहीं होगा, तो इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड जेनोन के पास है बेटा, इस XeO(F4)। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं बेटा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सी एच थ्री
CH-माइनस में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला बेटा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में माइनस का काउंट होता है, क्योंकि माइनस के पास क्या होता है बेटा, दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो और एक सिग्मा यहाँ पे है, तो दो सी दो के लिए क्या होता है बेटा, दो के लिए होता है sp, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा sp। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल एटम आर कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में हो, तो बेटा एक ही प्लेन में अगर हर एक पॉइंट पे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाए बेटा, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, तीन के लिए क्या होता है बेटा sp2। यहाँ पे भी निकालोगे sp2, बेंजीन के हर एक पॉइंट पे जहाँ पे भी निकालोगे बेटा sp2 आ जाएगा, यानी यही एटम क्या होने वाला, कोप्लेनर, बाकी कुछ नहीं जाएगा बेटा। अगला सवाल भी अच्छा है बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पेंट 4 ENE और 1 YNE, पेंट 4, 1 2 3 4 5, पेंट पे क्या है बेटा, 4 ENE 1 YNE, 1 पे क्या कर दें ट्रिपल बॉन्ड और 4, तो 1 2 3 4, 4 पे क्या है बेटा डबल बॉन्ड। जब ऐसा कर दिए हैं, अब यहाँ काउंटिंग तो हो गया, आप सिग्मा और पाई बोला बेटा, हाइड्रोजन बैलेंस करो, यहाँ पे एक सिग्मा, एक और तीन बैलेंस है, तीन और एक चार बैलेंस है, तो यहाँ पे बेटा दो बॉन्ड है और दो हाइड्रोजन आ जाएगा, दो इधर है, दो हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ दो बॉन्ड और एक तीन, तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन, दो और दो हाइड्रोजन आ जाएगा। अब सिग्मा काउंट करना है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिग्मा हो जाएगा बेटा, और पाई कितना है बताओ, ट्रिपल बॉन्ड में दो और एक, 3 पाई, 10 सिग्मा 3 पाई, तो पहले सिग्मा बोला 10 सिग्मा 3 पाई। अगला बोला है बेटा बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एवरी स्टेट में, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर तो पता है बेटा, हर एक पॉइंट में एक एक एच आ जाएगा बेटा बैलेंस करोगे तो, और यहाँ पे जब देखोगे बेटा एक सिग्मा एक दो और एक तीन, अगर हर एक पॉइंट पे देखोगे बेटा एक सिग्मा दो सिग्मा तीन, हर एक पॉइंट पे बेंजीन क्या देगा बेटा sp2 sp2, क्या देने वाला है बेटा sp2 sp2, यानी आंसर क्या जाएगा sp2, ऑल पॉइंट आर sp2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनोलिक फॉर्म ऑफ ब्यूटोन, ब्यूटेन क्या होता है बेटा, ब्यूटेन बना लो, तो हम एक ही चीज़ बोले बेटा कीटो टू इनोल बनाओ, एक किसी का भी एक काउंट करो, सिग्मा और पाई क्या होता है बेटा सेम, कीटो टू इनोल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर क्या होता है बेटा सेम, तो यहाँ पे देख लो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा है बेटा, और कितना पाई है, एक पाई है बेटा, और एक ऑक्सीजन में दो लोन पेयर होगा, तो यहाँ लोन पेयर कितना है बेटा 2, देख लो 12 सिग्मा 1 पाई 2 लोन पेयर, यानी ऑप्शन इज ए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी सिग्मा बॉन्ड बोला है, सीसी पाई बॉन्ड बोल रहा है, और सीएच सिग्मा बॉन्ड बोला है, किसका, हेक्स, पहले हेक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, हेक्स बनाने के बाद बोला है बेटा 1.3, 1.3, 1 2 3, क्या बोले बेटा डाई, यानी 1 2 3 4 5, 5 पे क्या बोला बेटा वाई, यानी 5 पे ट्रिपल बॉन्ड लग गया। अब इस पे बोल पूछ रहा है सीसी बॉन्ड, तो बैलेंस करते हैं बेटा, बैलेंस के लिए पेन बदल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दो बॉन्ड है बेटा, दो हाइड्रोजन आएगा नो डाउट, यहाँ पे दो और एक तीन मतलब एक हाइड्रोजन आने वाला है बेटा, यहाँ पे एक और दो तीन, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, दो और एक तीन, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, एक और तीन बैलेंस है बेटा, तीन और एक चार। अब सी एच बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड देखे, सीसी का पाई बॉन्ड, किसी क्या बोला है सीसी पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे एक है बेटा और यहाँ पे कितना है दो, मतलब आने वाला है पाई तीन, सीसी पाई बॉन्ड तीन वाला ऑप्शन मतलब बी जा रहा है। अच्छा सीसी सीसी सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है बेटा, एक एक दो तीन चार पाँच, सीसी सिग्मा बॉन्ड, अच्छा सी एच सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं बेटा, सी एच वाला कितना, 1 2 3 4 5 6, सी एच सिग्मा बॉन्ड कितना है बेटा 6 6 6 6, सी सी पाई बॉन्ड देख लो बेटा, 1 2 और 2 यहाँ पे बेटा 4, यानी सी सी पाई बॉन्ड है 4।
यानी चार वाला दो दिख रहा है, एक ये और एक ये। सी 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 एच बॉन्ड कितना दिख रहा है, एक दो तीन चार पाँच छ, सी एच बॉन्ड दिख रहा है छ, यानी चार और छ, चार और छ, यानी आंसर ए चला गया बेटा। और सी सी सिग्मा बॉन्ड हो गया है पाँच, एक दो तीन चार पाँच, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है बेंजाइल कार्बोनियल का। यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालो बेटा तो एक सिग्मा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, दो हाइड्रोजन, तीन के लिए क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज काउंट नहीं होता है, तो एस पी टू। आंसर इज, आंसर क्या है बेटा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है बेटा, गिवेन ये दे रखा है कंपाउंड, बोल रहा है गिव द एग्जिबिट टोटोमेरिज्म, कौन सा टोटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा बेटा। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन में क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप के बाद हम लोग क्या देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट वन होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद देखो बेटा इधर साइड अल्फा हाइड्रोजन है, टू अल्फा हाइड्रोजन यानी शो करेगा, और दूसरे दो अल्फा हाइड्रोजन है बेटा यानी वन शो करेगा। दूसरा फंक्शनल ग्रुप के बाद यहाँ पे भी अल्फा है बेटा, एटलीस्ट दो अल्फा हाइड्रोजन है, नो डाउट। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है बेटा, दो, यानी फंक्शनल ग्रुप के बाद दो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी कितना है बेटा, दो, यानी टू अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या देखते हैं बेटा कि एक पैरा टोटोमेरिज्म होता है जो फंक्शनल ग्रुप के बाद अल्फा, यहाँ पे बीटा पोजिशन, फंक्शनल ग्रुप के बाद अल्फा बीटा, गामा पोजिशन पे क्या होता है बेटा, गामा पोजिशन पे एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन जो शो करता है बेटा, वहीं पे ये टोटोमेरिज्म करता है जो ये हाइड्रोजन शिफ्ट करता है। तो यहाँ पे देखो बेटा फंक्शन के बाद ये अल्फा बेटा, ये गामा पोजीशन पे ये जो हाइड्रोजन है जिसके चलते ये शो कर दे रहा है, यानी ऑप्शन वन टू थ्री तीनों जाएगा बेटा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल फ्रॉम मॉलिकुलर फार्मूला सी थ्री एच नाइन एन। सी थ्री एच नाइन एन का पॉसिबल स्ट्रक्चर फार्मूला बोला है बेटा, तो इसमें एक चीज़ याद रखना, सी थ्री एच सेवन का अल्काइल ग्रुप का आइसोमर बनता है बेटा दो, उसके बाद एक बनता है सी फोर एच नाइन का बनता है बेटा फोर, और सी फाइव एच एलेवन का बनता है बेटा एट। ये अगर दिमाग में याद रह गया तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा बेटा बनता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है बेटा क्या, सी थ्री एच नाइन एन, तो इसमें एमाइन का डिग्री अगर बनाना है तो पहला तो एक वन डिग्री वाला एन एच टू बनता है बेटा, फिर टू डिग्री वाला एन एच बनता है, और एक थ्री डिग्री वाला एन एन वाला बनता है। एक थ्री डिग्री एमाइन बनाए, एक बेटा टू डिग्री एमाइन बनाए, और एक बेटा वन डिग्री एमाइन बनाए। वन डिग्री एमाइन में देखो बेटा एक एन चला गया, दो हाइड्रोजन चला गया, बचा क्या, सी सी थ्री एच सेवन, और यहाँ पे एक आ जाएगा बेटा सी एच थ्री, और इधर साइड आ जाएगा सी टू एच फाइव। तो देख लो दो कार्बन एक तीन और हाइड्रोजन पाँच तीन आठ, और एक हाइड्रोजन यूज हो गया, यहाँ पे सी एच थ्री हो जाएगा, यहाँ पे सी एच थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे भी सी एच थ्री हो जाएगा, यानी थ्री डिग्री का वन, टू डिग्री का भी बेटा वन होगा, और सी थ्री एच सेवन का दो बनता है, तो टोटल आंसर आ जाएगा फोर। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, फोर। तुम लोग के लिए होमवर्क दे दे रहा हूँ बनाना, सी फोर एच एलेवन एन, इसका बताना बेटा, ये भी नीट का और बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मस्त दे रखा है, तुम इसका होमवर्क है। एक और होता है वो भी होता है, लेकिन तुम इसी को बनाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एस टी आइसोमर डज दिस मॉलिकुलर फार्मूला। एस टी आइसोमर बोला है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर ढंग से देखोगे तो यहाँ पे क्या शो करेगा बेटा, यहाँ पे शो कर देगा जी आई, और यहाँ पे शो कर देगा इस कार्बन के लिए, अगर ढंग से देखोगे तो इस कार्बन का स्ट्रक्चर मैं थोड़ा यहाँ पे बना दे रहा हूँ, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू, उसके बाद है बेटा सी एच बी आर और बेटा सी एच थ्री। तो यहाँ पे क्या है बेटा कि कायरल कार्बन एटम है और यहाँ पे जी आई शो करेगा, तो हमें बोला है एस टी आइसोमर, एस टी आइसोमर इज इक्वल टू होता है बेटा ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, तो ज्योमेट्रिकल वन है बेटा, ऑप्टिकल वन है, आंसर टू आएगा, और
एस टू आइसोमर इज इक्वल टू होता है 2 की पावर n, तो इसको बिठा दो n की जगह 2, तो आंसर आ जाएगा बेटा 4। यानी आंसर क्या जाएगा बेटा, सी। अगला बोला है विच डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर टार्टेरिक एसिड बेटा, टार्टेरिक एसिड में क्या होता है, सीडबल ओ एच ओ एच एच ओ एच एच सीडबल ओ एच, यही टार्टेरिक एसिड है बेटा, यहाँ पे कायरल होता है। और बोला है डज नॉट एग्जिस्ट। अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है बेटा, आर सी एन एच टू, यहाँ पे एच, यहाँ पे सीडबल ओ एच आ जाएगा, यानी ये भी कायरल है। लैक्टिक एसिड सी एच थ्री सी ओ एच एच सी डबल ओ एच, ये भी कायरल है। मेलानोइक एसिड क्या होता है बेटा, तो यहाँ मेलिक एसिड जो होता है बेटा, सी डबल बॉन्ड सी, इधर साइड सी डबल ओ एच, इधर साइड सी डबल ओ एच, इधर साइड एच, और यहाँ पे भी बेटा एच, यानी यहाँ पे सी सो ट्रांस वाला आएगा, ऑप्टिकल नहीं आने वाला है, आंसर ये आएगा ए। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और है मैक्सिमम इनॉल कंटेंट, तो मैक्सिमम इनॉल इज इक्वल टू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। किस पे डिपेंड करता है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन एटम पे। तो यहाँ पे अगर देखते हैं इस फंक्शनल ग्रुप के बाद, इधर साइड 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया बेटा, 3 2 5 और 3, 3 3 6 2 8, 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखते हैं बेटा एल्डिहाइड, तो यहाँ पे सी एच टू है, एक यहाँ सी एच थ्री, मतलब यहाँ बेटा 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है बेटा, सी एच थ्री, मतलब यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देख रहे हैं बेटा सी एच थ्री, और यहाँ पे देख रहे हैं सी एच थ्री, मतलब यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। मैक्सिमम इनॉल कंटेंट किसके पास है बेटा, ए बी हो गया आंसर। 8 जा रहा है मतलब बी जा रहा है बेटा, लेकिन अगर सीक्वेंस इसका पूछता तो पहले क्या लिखते बेटा, बी, फिर क्या लिखते बेटा, ए, फिर क्या लिखते डी, फिर क्या लिखते बेटा सी। अब अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर के लिए क्या होता है बेटा, कार्बन एटम के 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। कार्बन एटम के क्या होना चाहिए बेटा, 4 डिफरेंट ग्रुप, मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखो। कार्बन एटम के क्या होना चाहिए बेटा, 4 डिफरेंट ग्रुप, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ध्यान से देखो। कार्बन एटम के क्या होना चाहिए बेटा, 4 डिफरेंट ग्रुप। आंसर तो देख के लग रहा है बी जाएगा, लेकिन हम बता दे रहा हूँ यही, सी डबल ओ एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच, और यहाँ पे सी एच थ्री। ये क्या है बेटा, लैक्टिक एसिड, ये कायरल होना चाहिए, चारों ग्रुप डिफरेंट है। और क्या होता है बेटा कि मस्ट बी sp3 होना चाहिए। और एक कंडीशन और होता है बेटा कि इसमें नॉट प्रेजेंट इन POS, COS एंड AOS, तीनों में से कोई भी एक प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखेंगे बेटा 2 हाइड्रोजन सेम, यहाँ पे 3 सेम, यहाँ नहीं होने वाला। यहाँ पे अगर देखोगे इसका स्ट्रक्चर CH3, यहाँ H, यहाँ OH, और यहाँ पे क्या बेटा CH3, 2 CH3 सेम है, इसलिए कायरल नहीं होगा। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन सेम, 2 सेम, 2 सेम नहीं होने वाला, यानी आंसर बी जाने वाला है। नेक्स्ट बोला है बेटा इसका कि IUPAC नेमिंग बताओ क्या होने वाला है। तो IUPAC नेमिंग किस फॉर्म में बोचा है पूछा है बेटा, सी सो ट्रांस। तो यहाँ पे ट्रांस इसको बोलते हैं जिसमें बेटा पेयर ऑफ सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो। यहाँ पे इसको मान के चल रहे पेयर ऑफ सेम ग्रुप अपोजिट साइड है कार्बन से लेकर के, तो जब अपोजिट साइड है तो ट्रांस वाला होने वाला है, सीस वाला क्या होगा बेटा, गलत। अब ट्रांस में देखो IUPAC नेमिंग इधर से काउंट करते हैं, पेन बदल लेते हैं बेटा, पेन इंपॉर्टेंट है, यही तो मान है, 1 2 पे आएगा। इधर से अगर काउंट करते 1 2 3 पे आता है बेटा, तो 2 वाला वैलिड ज़्यादा अच्छा है, 2 3 4 5 6, मतलब 2 वाला वैलिड ज़्यादा अच्छा, कहने का मतलब 2 वाला क्या है बेटा, मिनिमम नंबर पोजिशन पे आ रहा है। 1 2, अच्छा बेटा देखो एक मिनट मिटा लेते हैं पहले इसको, अच्छे से काउंट करते हैं। देखो बेटा 1 2 3 4 5, अब देखो बेटा क्या रहा है, 2 पे क्लोरो ट्रांस है, तो क्लोरो और आइडो में ध्यान देना, क्लोरो सी से शुरू होता है, आइडो आई से शुरू होता है। तो पहले किसको लिखोगे बेटा, अल्फाबेट में ही लिखेंगे, क्लोरो सी से शुरू होता है पहले सी लिखेंगे, तो पहले किसको लिखेंगे, ट्रांस,
ट्रांस थ्री आइडो लिख दिया बेटा, थ्री आइडो होने वाला नहीं है। ट्रांस देखो बेटा, ट्रांस ट्रांस टू क्लोरो थ्री आइडो पेंट टू यानी एकदम सी सही है। पहले यहाँ थ्री आइडो ले लिया, ये गलत हो गया। आइडो पहले लिखना ही नहीं है बेटा। अगला है बेटा आईपीएसी नेमिंग। अब इसका आईपीएसी नेमिंग देखो, यहाँ पे है कि इधर से मल्टीपल बॉन्ड देख लो, हम काउंट कर दे रहे, 1 2 3 4 5 6। एक और पेन बदल लेते हैं बेटा, ग्रीन ले ले रहे हैं। इधर से काउंट कर ले लो, 1 2 3 4 5 6। ग्रीन वाला का मल्टीपल बॉन्ड बेटा इधर से काउंट किए थे, एक पे आ रहा है और अगला बेटा फाइव पे आ रहा है। और ब्लू वाला का जो काउंटिंग था वो कितना पे आ रहा है बेटा, इधर से भी एक पे आ रहा है और इधर से बेटा फाइव पे आ रहा है। जब फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस फेल हो जाता है बेटा तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट रूल यूज़ करते हैं। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में डबल बॉन्ड बेटा ई एन ई से डिनोट होता है और वाई ट्रिपल बॉन्ड वाई एन ई से डिनोट। अब बताओ बेटा ई पहले आता है कि वाई, ई पहले आता है तो ब्लू वाला बेटा राइट हो जाएगा और ये ग्रीन वाला रेड हो जाएगा। तो इसका आईपीएसी नेमिंग करोगे तो कार्बन बेटा छः है, क्या लिखोगे, हैक्स। तो हैक्स 1 ई एन ई और 5 वाई एन ई, हैक्स 1 ई एन ई और 5 वाई एन ई, यानी आंसर क्या जा रहा है बेटा, डी, हैक्स 1 ई एन ई और 5 वाई एन ई। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ओ अगला क्वेश्चन तो खत्म हो गया बेटा, अच्छा है बेटा। अब क्या करो बेटा, हमारे चैनल को बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब करो और मोर टू मोर स्टूडेंट को बताओ कि यहाँ पे बेटा अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं। यहाँ पे बेटा देखो नीट का सारे क्वेश्चन करवाए हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और बेटा इस पे प्रीवियस ईयर का नीट का दो और वीडियो लेक्चर आ जाएगा बेटा, एक दो और वीडियो लेक्चर आ जाएंगे। तो करना ये है कि अपने पड़ोसी भाई लोग को बताओ बेटा कि यहाँ पे कंटेंट अच्छे मिल रहे हैं, और वीडियो लेक्चर को शेयर करो बेटा। जितना ज़्यादा शेयर होगा बेटा उतना अच्छे से वीडियो बढ़ाएंगे, और शेयरिंग करने के साथ साथ सब्सक्राइबर भी बढ़ाना है बेटा। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा उतना ज़्यादा दिल से काम होगा बेटा, ठीक है। चलो मेरा वीडियो लेक्चर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें बेटा, फॉलो करें, कमेंट करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू बेटा सो मच, ओके बेटा, बाय।